हिंसा की आपकी टीम ने झेला है, हम लोग इस बारे में कई बार बात करते रहे। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। सवाल मेरा बहुत सीधा सा है, इतना एक्यूरेट, इतनी सही दिशा लगातार 4 महीने तक इस तरीके के चुनाव में कैसे पकड़ी आपने? बधाई देना चाहूंगा एबीपी की लीडरशिप को, एबीपी की आप लोगों की टीम को, क्योंकि हम उतना ही काम कर सकते हैं सुमित जितने की हमको अनुमति मिली, और हमने कई वर्षों से लगातार जो ट्रैकर करके और ट्रैकर की विधा को एक तरह से भारत में हम लेके आए हैं और अब से लिख लिया है कि ये चुनाव कोई एक दिन में जीते या हारे नहीं जाते। लोग कोई अंतिम दिन मूड नहीं बदलते, लोगों का मानस होता है, उसमें चीजें बैठती हैं, लंबे समय तक खर्च करती हैं, और उन्हें कोई एक बार आपने सर्वे कर लिया और एक बार आपने पकड़ लिया और बोल दिया वैसा नहीं होता है। लोग रोज जो अपनी बात बताते हैं उसमें जहां जहां पर मूड उनका बदलता है, जहां बदलता है उसको वही पकड़ना जरूरी है, क्यों बदलता है वो पकड़ना जरूरी है। मतलब आप याद कीजिए सुमित, पिछले साल जब हम लोग स्टेट ऑफ द नेशन कर रहे थे उस समय हमने बोला था कि 2019 में लेफ्ट वाले केरल में हार गए, लेकिन कोविड के कारण एकाएक वहां के कोविड प्रबंधन से वहां के मुख्यमंत्री की छवि बहुत बेहतर होगी। तो ये अगर इस तरह का ट्रेंड चलता रहा तो कतई आश्चर्य मत कीजिएगा कि केरल में लेफ्ट एक बार चमत्कार कर और जीत जो है वो हार के मुंह से बिल्कुल जीत को निकाल करके वापस ले आए। तो ये ट्रैकर नाम की चीज ये बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा सही रोज अभ्यास कीजिए, रोज उसमें अपने को लगाए रखिए ताकि आपको सही स्थिति का जायजा पता लग जाए। और यही चीज एक ऐसी है जिसमें हमारी पूरी टीम 365 दिन लगातार रिसर्च करती रहती है, और कोई भी हमारा ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, ऐसा नहीं कि वो एक दिन की कार्रवाई या एक दिन की गतिविधि के ऊपर ही हम उसके आंकड़े लेकर के आ जाते हैं। और एबीपी जैसा अगर हमारे साथ में कोई साथी हो मीडिया का जो समय समय पर उस ट्रैकर को सामने रखे और लोगों को बीच बीच बताता रहे कि देखिए कुछ भी हो, हम कितने महीने से टीएमसी के होने की हम लोग बात कर रहे हैं लगातार, जबकि ऑनस्लॉट भी हो रहा तब भी हम लोग कह रहे थे कि नहीं ये माहौल भले ही बन रहा हो। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था सुमित, आपको याद होगा जब माहौल बदल रहा था तो हमने जो सवाल एक इंड्यूस किया था कि आप भले ही किसी के भी समर्थक हो, भले ही आप किसी को भी वोट दे रहे हो, कृपया ये बताइए कि आपके हिसाब से चुनाव जीत कौन रहा। इस मुद्दे के ऊपर लगातार लोग बीजेपी बोल रहे थे, लेकिन जब हम ये पूछते थे कि अच्छा ये बताइए आप खुद किसको वोट दे रहे हैं, वहां पे टीएमसी आ जा रहा था। तो ये विरोधाभास था, और ये विरोधाभास होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि लोग जब भाजपा का पूरा चुनाव प्रबंधन, विज्ञापन, रैली, शोर, वो एग्रेसिवनेस देखते हैं तो उसमें एकदम से उनको लगता था कि ये तो मामला पलट गया, ये तो बीजेपी जीत रही है। लेकिन जब उनसे भी की अच्छा ये बात अलग है, सवाल ये है आप किसको वोट दे रहे हैं। यही स्थिति बिहार में थी, एग्जैक्टली यही स्थिति बिहार में थी। बड़ी तादाद में 60% तक बिहार में लोग बोल रहे थे ये सरकार जा रही है, सरकार को चले जाना, लेकिन वोट देने के ऊपर बड़ी तादाद में हमने तब बोला था कि महिलाएं जो हैं वो पति पति और मर्द भले ही कहीं वोट देना, वो अभी भी नीतीश कुमार को ही वोट देना चाहते, और वही हुआ। पश्चिम बंगाल में भी 2 M के फैक्टर काम किए हैं, एक मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी को बिल्कुल नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मुर्शिदाबाद मालदा जो कोर एरिया के मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर लेफ्ट और कांग्रेस के, वहां पर भी ममता बनर्जी की लीड समय दिखाई दी। दूसरा मुस्लिम मतदाताओं से भी बड़ा फैक्टर जो है वो महिला मतदाताओं का है। अगर सुमित इन पूरे चुनाव में आप कोई एक फैक्टर पकड़ना चाहें कि पूरे देश में क्या बड़ी चीज मैंने देखी, तो मैं कहूंगा कि महिला मतदाताओं का जो उभार पिछले 6 साल से देख रहा हूं मैं, वो अब अपने क्रक्स पे पहुंच रहा है। यानी न केवल वो टर्नआउट मर्दों के बराबरी या उनसे ज्यादा कर रही है, बल्कि उनसे इतर अपनी राजनीतिक राय रख रही है। ये बहुत क्रांतिकारी मौका है इस देश की राजनीति में, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि महिलाएं मुद्दों पे वोट देती हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोग नहीं समझ पाते कि वो लोग सामान्यतः महिलाओं मतदाताओं को प्रश्नाइज कर देती कि महिलाएं इमोशनल वोट देती हैं, क्यों कि जब 91 के बाद में 84 में जब इंदिरा जी की हत्या हो गई, महिलाओं ने इमोशनल होकर राजीव गांधी को वोट दे दिया, फलाना हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यशवंत मैं आता हूँ, एक मिनट आता हूँ, बड़ी खबर आ गई है, आंकड़े भी तो दिखाने हैं, खबर भी तो देनी है। रुबाना, बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है नंदीग्राम के संग्राम से, बड़ी खबर। नंदीग्राम में ममता बनर्जी आगे निकली, 14वें राउंड के बाद ममता की लीड 2331 वोट है, 14 राउंड की काउंटिंग हो गई है और 14वें राउंड की काउंटिंग
ममता बनर्जी ने अभी तक जो अपनी लीड है उसे 2331 कर लिया है, मतलब 2331 वोटों से इस वक्त ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही है। लेकिन देखिए अभी एक तरीके से आधे दौर की ही काउंटिंग हुई है, क्योंकि कुल 27 राउंड यहां पर काउंटिंग के अभी होंगे और ऐसे में 14वें राउंड की काउंटिंग के बाद, मैं आपको बता रही हूँ, 14वें राउंड की गिनती के बाद ममता बनर्जी 2331। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बता देते हैं, मनोज तिवारी क्रिकेटर शिवपुर से अपनी सीट चुनाव जीत गए। जो मनोज तिवारी शुरुआत से पीछे चल रहे थे वो मनोज तिवारी ने चुनाव जीत लिया है। तब वहाँ पर पश्चिम बंगाल में नए विधायक बन गए। अभी अभी उन्होंने क्रिकेट छोड़ा है और अब जैसे लक्ष्मी रतन शुक्ला पिछली बार दिखाई दिए थे विधानसभा में, इस बार मनोज तिवारी की बारी है जो तृणमूल का झंडा पकड़े रहेंगे। लेकिन यशवंत एक चीज जानना बहुत जरूरी है इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब मैं चाहूंगा आप इसको थोड़ा सा समझा के बताइए। जिस तरीके से आपने कहा ना महिला इंपॉर्टेंट हो गई है, बीजेपी ने चुनाव, हम लोग बार बार बात करते रहे अपनी पोल्स के दौरान कि पोलराइज कर दिया है, पोलराइजेशन का फायदा बीजेपी को मिलेगा। जब 80 या 84 सीटें आती है भारतीय जनता पार्टी को तो ये पोलराइजेशन की वजह से आती है या विकास की बात नहीं की इसलिए बची हुई 116 सीटें नहीं आती जिसका वादा किया गया था 200 के पार का। बीजेपी विकास के नाम पर जब जब लड़ी है, नरेंद्र मोदी का चेहरा रखकर बीजेपी को फायदा हुआ है, लेकिन जब जब पोलराइजेशन के जरिए समाज को दो भागों में बांटने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से वो बूमरैंग ज्यादा किया है। Am I right or wrong? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और देश की जनता ये कंस्ट्रक्टिव एजेंडे को ही आगे देख के वोट देती है। देखिए 2014 का मैंडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशुद्ध रूप से विकास की राजनीति, मैं नहीं मानता। देखिए हिंदुत्व वाली राजनीति का एक 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 एंगल है, मैं मानता हूँ, और उस पर जम के उन्होंने चुनाव लड़ा पोलराइजेशन।